तो हेलो माय राइडर फैमिली। तो दोस्तों फाइनली रॉयल इनफील्ड ने अपनी सुपर मेटियोर 650 को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में कल लॉन्च कर दिया था। तो दोस्तों अगर आप भी इस बाइक को परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हो तो उससे पहले आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बाइक की ऐसी 5 कमियों के बारे में बताऊंगा जो आपको ये बाइक परचेज करने से पहले जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें कोई भी बाइक परचेज करने से पहले उस बाइक की अच्छाइयां और उस बाइक की बुराइयों के बारे में हमें पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में और इस बाइक के वेरिएंट के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रॉयल इनफील्ड ने इस बाइक के 2 वेरिएंट को इंडिया में लॉन्च किया है। पहला जो वेरिएंट है वो है सुपर मेटियोर 650 स्टेरर और दूसरा जो वेरिएंट है वो है सुपर मेटियोर 650 इंटरस्टेरर। तो दोस्तों अगर हम इस बाइक के लुक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इस बाइक का जो लुक्स है वो काफी ज्यादा प्रीमियम है। रॉयल इनफील्ड ने इस बार काफी बढ़िया काम किया है, इस बाइक में काफी प्रीमियम लुक प्रोवाइड करवाया है। ये बाइक देखने में काफी ज्यादा मस्कुलर भी लगती है। अगर हम इस बाइक के फ्रंट सेक्शन के बारे में बात करें तो इस बाइक के फ्रंट में आपको राउंड एलईडी हेडलाइट सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा और इस बाइक के जो इंडिकेटर है वो आपको हैलोजन में देखने के लिए मिल जाएंगे और इस बाइक की जो रियर टेल लाइट है वो भी यहाँ पे आपको एलईडी में देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा इस बाइक में आपको राउंड शेप का डिजिटल मीटर कंसोल देखने के लिए मिल जाएगा जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। ओवरऑल लुक के बारे में बात करें तो बाइक की जो लुक है वो काफी ज्यादा मस्कुलर और काफी ज्यादा बढ़िया है। बाइक में काफी हैवी मटेरियल का उपयोग किया गया है, इसलिए बाइक का जो वेट है वो काफी ज्यादा होने वाला है। अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में बात करें तो दोस्तों जो रॉयल इनफील्ड सुपर मेटियोर 650 स्टेरर है उसका जो प्राइस है वो आपको इंडिया में 3,48,000 के एक्सशोरूम प्राइस में इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा और दूसरा जो वेरियंट है वो है सुपर मेटियोर 650 इंटरस्टेरर। इस बाइक का जो प्राइस है वो आपको 3,63,900 रुपए एक्सशोरूम प्राइस में इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस बाइक की कुछ कमियों के बारे में। तो दोस्तों इस बाइक की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी कमी है वो है इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस। दोस्तों इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इंडियन रोड के हिसाब से काफी ज्यादा कम है। मैं यहाँ पे कंपनी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस को थोड़ा सा बढ़ाया जाए ताकि ये बाइक इंडियन रोड के हिसाब से सेट हो सके, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इंडियन रोड पे काफी ज्यादा गड्ढे और काफी ज्यादा यहाँ पे ब्रेकर्स देखने के लिए मिलते हैं और जब भी आप इस बाइक को गड्ढों पर या ब्रेकर्स पे लेकर जाएंगे तो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है कि ये बाइक गड्ढों में जाकर फंस जाए और बाद में बाइक निकले भी ना, तो यहाँ पे काफी आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। दोस्तों अगर हम इस बाइक की दूसरी कमी के बारे में बात करें तो वो है इसका बड़ा हैंडल बार। दोस्तों ये बाइक लॉन्ग टूरिंग के लिए तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर आप इस बाइक से सिटी राइड करते हैं तो आपको यहाँ पे काफी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इंडिया में काफी ज्यादा सड़कों पर ट्रैफिक होता है तो कभी कभी हमें इस बाइक से यू टर्न भी लेना पड़ता है ट्रैफिक के कारण। तो अगर आप इस बाइक से यू टर्न लेंगे तो आपको यहाँ पे काफी बड़ा रेडियस चाहिए होगा। इस बाइक का जो टर्निंग रेडियस है वो काफी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे आपको काफी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों इस बाइक का जो हैंडल बार है वो एक जगह पे स्टेबल रहता है, जिसके कारण अगर आप इस बाइक को सीटी में राइड करते हैं तो यहाँ पे कई बार आपको क्या है कि कट वगैरह मारकर आगे जाना पड़ता है, तो उसमें आपको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों अगर हम इस बाइक की तीसरी सबसे बड़ी कमी के बारे में बात करें तो वो है इस बाइक की माइलेज। दोस्तों इस बाइक में आपको काफी कम माइलेज देखने के लिए मिलती है। इस बाइक में आपको 35 से 40 KMPL की माइलेज देखने के लिए मिल जाएगी जो कि इंडिया के हिसाब से काफी ज्यादा कम है। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया में जो पेट्रोल के दाम है वो डे बाय डे काफी ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो माइलेज यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। तो दोस्तों अगर आप इस बाइक से यह एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस बाइक की जो माइलेज अब आपको काफी बढ़िया देखने के लिए मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बाइक में आपको काफी कम माइलेज देखने के लिए मिलेगी। अगर आप इस बाइक को परचेज करते हैं तो आपको माइलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम इस बाइक की चौथी प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो वो है इस बाइक की मेंटेनेंस। दोस्तों ये एक क्रूजर बाइक होने वाली है, जिसके कारण इस बाइक की जो मेंटेनेंस है वो काफी ज्यादा है। हर 500 किलोमीटर की राइड के बाद इस बाइक को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, इसकी चेन को क्लीन करवाना पड़ेगा, हो सकता है कि इस बाइक के एयर फिल्टर को भी चेंज करना पड़े। तो दोस्तों अगर आप इस बाइक से यह एक्सेप्ट कर रहे थे कि इस बाइक को ज्यादा मेंटेन वगैरह करना नहीं पड़ेगा तो दोस्तों आप गलत हैं। तो दोस्तों इस बाइक को आपको काफी ज्यादा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जब भी आप इस बाइक को लॉन्ग टूर पर लेके जाएं तो इस बाइक को ऑयल को और इस बाइक के एयर फिल्टर को आप चेंज करवा लें, और जितना ज्यादा आप इस बाइक को मेंटेन करके रखेंगे उतना ज्यादा इस बाइक की लाइफ बढ़ेगी। इवन आप कोई भी क्रूजर बाइक परचेज कर लो, सभी बाइक मेंटेनेंस मांगती है। तो दोस्तों अगर आप इस बाइक को परचेज करते हैं तो आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम को तो फेस करना ही पड़ेगा। अगर हम इस बाइक की पांचवी और आखिरी प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो वो है इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट। इस बाइक में आपको डुअल एग्जॉस्ट नोट देखने के लिए मिलता है और इस बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है वो काफी ज्यादा लाउड और काफी ज्यादा बेस वाला और काफी ज्यादा पंची है। तो दोस्तों अगर आपको ज्यादा लाउड एग्जॉस्ट नोट पसंद नहीं है तो आप इस बाइक को बिल्कुल भी परचेज मत करो। इसके अगेंस्ट अगर आपको ज्यादा लाउड एग्जॉस्ट नोट पसंद है तो आप इस बाइक को डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जिन लोगों को ज्यादा लाउड एग्जॉस्ट नोट पसंद नहीं है, हो सकता है वो जब भी इस बाइक से लॉन्ग राइड करें तो वो इस बाइक से इरिटेट हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको
ज्यादा लाउड एग्जॉस्ट नोट पसंद नहीं है तो मैं आपको ये बाइक बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ, अपनी पर्सनल चॉइस की बात करूँ, तो इस बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है वो काफी ज्यादा मस्त है। दोस्तों मुझे इस बाइक का पर्सनली एग्जॉस्ट नोट काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी आपके डाउट है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। मैंने इस बाइक की जितनी भी कमियां थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने वीडियो के थ्रू चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि भविष्य में आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल सके। और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सुपर थैंक्स भी सेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।